नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन। भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज करेंगे, समझिए। अब जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना कैसे करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक कोई क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ऐसा एक क्वेश्चन लिखे। तो इसका मिडिल टर्म क्या है, 7x, इसका मिडिल टर्म क्या है 7x। इसको ऐसा तोड़ना है कि फिर दो अलग अलग पार्ट में ऐसा हो जाए, जिसको मतलब पहले सबसे पहले इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो ए क्या है यहाँ पर, 1, ए क्या है 1 है ना, और बी क्या है 7, और सी क्या है 12। अब हम लोग यहाँ पर ए इंटू सी करेंगे, ए इंटू सी करेंगे तो 1 इंटू 12 यानी कि 12, ठीक है। हमारे पास बी क्या है 7, इस 7 को ऐसा तोड़ना है, प्लस या माइनस ऐसा लिखना है, दो नंबर को ऐसा प्लस माइनस करना है कि जिसको इंटू करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो इंटू करने पर 12 कैसे आएगा, हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इसमें से दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको इंटू करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए, क्या क्या, 3 और 4। 6 और 1 को प्लस करने पर भी 7 आएगा, लेकिन 6 1 6 हो जाएगा, तो वहां गलत मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे 3 और 4। 3 और 4 को लेंगे तो फिर 3 प्लस 4 7, और 3 4 12 है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऐसा करिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 कर दीजिए। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से, ये दो टर्म एक जैसे हो गए और ये दो टर्म हो गए, ये दो टर्म हो गए, तो इन दोनों में से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, और इन दोनों में से अगर हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। अब इसमें से अब इन यहाँ पे दो टर्म्स हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ x 4 इंटू एक्स प्लस 3, इन दोनों में से अगर हम लोग x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, तो फैक्टराइज हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है कि नहीं, समझे, ऐसे होता है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए और सी को इंटू करेंगे, ए इंटू सी करेंगे तो 6 5 जा 30 आ गया। अब इस 30 को हम लोग को स्प्लिट करना, मतलब कि ये 17 को ऐसा स्प्लिट करना है जैसे कि फिर इंटू करने पर 30 आ जाए। क्या क्या नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिसको, 30 का फैक्टर निकाल लीजिए, 30 के फैक्टर क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 5 है 6 है, और फिर उसके बाद 10 है कि नहीं, है ना, और 15 भी है ना, तो 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 15। तो आप देखिए, दो ऐसा नंबर जिसको प्लस करने पर 7, प्लस या माइनस करने पर 17 है, 15 और 2 को प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5,
या तो 2x को आप इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों में से अगर हम लोग 3x को कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, x दोनों में है, 3 भी दोनों में है, क्योंकि 3 2 6 और 3 5 15, तो हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 5 है कि नहीं, और प्लस यहाँ पे 2x प्लस 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो 2x प्लस 5 पहले से मौजूद है, तो इसको कुछ कॉमन नहीं लेना है, बस 2x प्लस 5 लिख देना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब इनमें से और इनमें से 2x प्लस 5 कॉमन मिल गया, और यहाँ क्या बचा, 3x और प्लस 1, कोई दिक्कत है। तो ऐसे हमको स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर करके बनाना है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ आप बना सकते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन बना सकते हैं आप, और जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है क्यूब वाला,